किसे की ना मन रहो जाट हो है जहर जो जाट की ना मन रहा हो है जाटनी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और मैं नहा ली थी और मैंने धोना था शर, तो मैंने शरवर भी धो लिया है, कई दिन हो गए थे तो इस मारे उठ कर नमक का धूप निकल रही है और कुछ सुखा भी लिया है हेयर ड्रायर तक, कुछ धूप में बैठ जाएंगी क्योंकि मेरा ना ठंड सी का महसूस हुआ था लाग रही है। तो हनी स्कूल में नहीं गया है, रितिका चली गई अपने कॉलेज में। हनी का गला कत्ती ख़राब हो रहा है तो उसका गाला है बादाम का तेल नाखा मंगा ले, तेनू कह के बहुत घना आराम हो जा, मैं भूल रही थी याद आई है आज जगा दिया सुबह ही। तो चलो ईब अपना काम निपटाऊँ, दूध दाद का सुबह का तो हो गया था और ईब करूँ हूँ दूध दाद का रह रहा आज मेरा, तो दूध दाद और जहाज जी करूँगी। दूध ले आए थे सोमदीर जी, गाइस पतीले रता लिए है, एक तिब्बर रताया है, तई में भी दूध का लाड़ा और इसमें है आज का। तो चलो बर्तन बर्तन सब कुछ, किचन वैसे साफ है पर नुहा के भी इसने इन दूध दाद नो जाऊंगी तो इसमें बताऊंगी जो हमारे दिखे। तो चलो एक बार दूध और रोज लूँ। तो गाइज मैं किचन में आ गई हूँ और यह है मेथी, तो मेथी और या मूली पालक एक आधा एक आधा पत्ता नू खराब हो रहा है पर खराब ना हुआ या इसने इनकी बनाऊंगी मार्च परांठे। तीनों चीज़ा ना मिक्स करके आटे में बेऊंगी गाइज, इन्हें पीस कर इन्हें भी और इन्हें भी पीस कर और इन्हें कस कर। तो चलो एक बार दिखाऊंगा आपने भी फिर थोड़ी देर बाद। और दूध ओज दिया है तो इन्हें ही गर्म करना रखूंगी और यो लस्सी भी बना कर रख दी है बाहर क्योंकि ठंडी ना पीते इस मारे। सोमवीर जी भी किचन में ही है, हेलो जी। और ये घी का ड्रा मारे दरा था वो उठा कर दरा, एक बार इन दूध के भगोना नोड़ धरेंगे क्योंकि ये मेरे बस की बात ना है, ये धरेंगे चाहे तो कोसा बाड़क हो या फिर ये करे हैं तो इन दूध के भगोना ने दर देंगे ये गर्म होना। तो चलो मिलते हैं एक बार, मैंने काटा पिट्टी कर लूँ इनकी। मैंने रितिका तो खाओ को ना ये ग्रीन, ये तो आटा लगा दिया उती भी और अपना लगा लिया ये ग्रीन वाला, मूली को ना गेरी खाऊंगा खा लेंगे फिर। तो चलो एक बार रोटी बना लूँ, हनी जागा फिर दवाई लेन, एक आधा टूक खावे तो देखो। तो गाइस पराठे बना दिए हैं और सोमवीर जी खान लग रहे तो मेथी के पालक की है, आप भी खा लो करारे करारे पराठे। और मैंने गोला बना लिए, दूध भी बस होने वाला है गर्म थोड़ी बहुत देर में दोबारा कर दिया है। तो मेरा खाने का काम निमट गया है और मैंने जाना है ही बुरा सत्संग में, सत्संग करवा रखा है जिनका शादी थी अंकल लड़के, तो 1:30 बजे से बुरा जाना है। तो चलिए मिलते हैं, जो भी कुछ होगा आपके साथ शेयर करते हैं। उठ गई सब पड़ पर इन्ना लगा रखा जागरण में तय आ गई थी मैं कई देर होली क्योंकि ना वह शाम न झाड़ू पोछा करके जा ढाई तीन 3:30-4 बजे सी, तो इस मारे फिर मैं आ गई थी। और ये बनावा है चाय, तो चाय पीवेंगे। रितिका भी आ गई पर वह गई कंप्यूटर क्लास पर अपनी, और बना ब्रेड सेकेंगे कभी क्योंकि भूख लाग रही है। चाय उबल गई है और यो के करन लाग रहा रे, अनी सेकेगा ब्रेड सेक देगा इसे एक आधा काम तो करवा दिया करने। आराम है इधर, दवाई ले ली थी टाइम तक, आराम हो रहा है दवाई से ठीक है। कुछ भी ठंडी चीज मत जान दिया भीतर में ना, तो फिर एकदम तो पकड़े जाएंगे।
ਪਾਲਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਦਾ ਔਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਬੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਤੀ ਸੌ ਰਿਹਾ ਥਾ ਗਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਟ ਗਿਆ ਜਾ ਥਾ ਕਤੀ ਰੋਆ ਥਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਸਨੇ ਵੀ ਤੁਲਸਾ ਗੇਰ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੁਲਸਾ ਤੋੜੀ ਥੀ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਰ ਮਤ ਲਗਾਓ ਕਦੇ ਤੈਜ चाय भी बन गई है तो चलो एक बार चाय पी लो दूध भी गर्म हो गए हैं और इसमें तो पी भी लिया है इन्हें भी फ्रिज में धरी है नहीं ठीक है तो गाइस शाम हो गई है लाइट वाइट जला दी है मना कर दी है डिनर की तैयारी डिनर में क्या बनेगा दिखाऊंगा आपने कुछ स्पेशल बनेगा रीति खाते उसने ना सुबह तक खाना ना खाया और वाई ये ग्रीन पराठे कम राजियों का खाया करा तो मन सोची कि चलो ये पेट भर कर खा लेगी तो उसकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी शाही पनीर की तो मैंने तैयारी कर दी है दिखाऊंगा आपने इसने मैंने मिर्च गे रखी नीचे हरी और टमाटर और काजू ये मैंने मतलब उबाल लिए हैं तई भी न ठंडे उन लाग रहे न पीसूंगी और पनीर भी काट कर दर दिया है तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना अगर जो मिक्सी में खाने डाला ना इसने तो है ना फिर हाथ जल जाए है बहुत करड़ा क्योंकि मेरा भी जल गया था पहले इसने ठंडे कर लियो एक बार और चाय के बर्तन भी पड़े हैं आज मेरे तो चाय के बर्तन भी साफ करूँगी साथ साथ मैं काम करती रहूँगी और तो कुछ ऐसा फैल ना रहा बिल्कुल साफ है बच्चे अंदर बैठे हैं और बार का लाइट फिर तक खराब होगी राम जाने क्या हो रहा है इसमें तो लाइट मैंने अंदर की तो लगा दी है बार की चस्सी को ने गाइस सब्जी बन गई है मस्त वाली पनीर की एकदम रेडी कति चावल बनन लग रहे हैं और मैंने दही जमान ते दूध भी डर दिया साथ साथ में और साथ साथ में सारे बर्तन वर्तन भी साफ कर दिए हैं लस्सी बाहर छोड़ रखी है और इसने भी उठा कर रख दो फ्रिज में मेरा डिनर का काम भी हो गया है कंप्लीट चावल बना दिए शाही पनीर की सब्जी बना दी और दूध गर्म करन लाग रही हूँ तो फिर अपना जब टाइम लग जाएगा ठंडा मतलब गर्म हो जाएगा तो दही भी जमा दूंगी और बस और तो कुछ काम ना रहा डिनर भी कंप्लीट तो ये खाना रह गया है बच्चे ये चावल में रह रही है 10 मिनट और रह रही है उसमें तो उसके बाद खाऊँगे तो मिलते हैं गाइस ये रितिका लाग रही है यो बनान के बनाओ रीति तू कितनी आनोली तन बैठी सारे बेड पे खिंडा रही है ने आए हैं बेरा ने के बनान लाग प्रोजेक्ट यो मजा आता रीति न्यू खण में बुरसी रितिका मजा आ वो अपना वो लेके बैठा कर न्यू मत झुक के बैठा कर नैड़ मर कमर मदर धुन रहन लग जाएगा बेटा ठीक है हेलो जी हेलो रोटी खा ली सोमवीर जी रोटी खान लाग रहे हैं और रितिका अपना यो काम लाग रही है तेरा हो गया रे गले मराम दवाई ले ली तड़का स्कूल में जाना है इसका फिर सुबह सुबह ना 6 बजे सी मतलब गणा तेज हो जाए एकदम तक प्रोग्राम बुखार का खांसी का जुखाम का नुकर 7:30 बजे तीरा कर 8 बजे तीरा कर अपने मुंह तो बताई है क्योंकि 8 बजे ती स्कूल रही का 7:30 बजे भी असम ना सच्ची में हो रहा था मजाक मत बना छोरे का है ना नी मां सच्ची में हो रहा था बेचारे का मत बोला फिर तेरा होगा ना रोएगी फिर मेरी बारी में नहीं करता तू बस बस मैं ना करता बस गले में वो या सट क्या जा है खाए तो खा कर देख ईब सट क्या जा हनी ईब तो इसने थोड़े से चावल भी खाए फिर गरम गरम और रीति बन गया रीति का क्या बना बेटी यो क्या लिख रही है यो वर्ल्ड फिश
क्या हमला गई हो, छोटे बच्चे हो क्या? ये छोटे छोटे मच्छी 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 बना रहे रितिका भी भाई वो लग रही हर घना टाइम हो रहा, 9:30 का टाइम हो रहा, रिति 10 बजन हो रही है, एडिटिंग भी करनी है। चल मैं एडिटिंग करूँ, तू इतना ही सना बना ले ठीक है, आज मैं करती हूँ कर दू इतना मैं जोड़ जाड़ लू ना। तो चलिए मिलते हैं गाइस, दूध पियेंगे, दूध दूध रह रहा है बस देना। तो गाइज खाना वाना हमने खा लिया है, किसी बनी थी रीति सब्जी नुगा बढ़िया बनी थी, आप और ना मन ना बढ़िया ना लगी क्योंकि उसमें ना थोड़ी मिर्च ज्यादा होगी, मेरा मुंह आ रहा सारा, बच्चा ना तो बढ़िया लगी, इतनी तो ना थी पर मेरा मुंह आ रहा इस कारण लगी होगी मैंने। तो चलो खाना वाना खा लिया, थोड़े से चावल बनने भी, और इब लाई हूँ दूध ये कप गिफ्ट में मिल रही है तो इसमें बढ़िया आ जाए है दूध, तो मैं इस समय गर्म कर लिया गुरु फिर अपना। तो गाइस जी दूध दूध पीना रह रहा है, सोमवीर जी भी रोटी खान लग रहे हैं, वे भी आ गए हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय गुड नाइट।